हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर के आया हूं। आज का जो टॉपिक हमने वीडियो का लिया है, दैट इज डे केयर प्रोसीजर्स हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है। डे केयर प्रोसीजर फ्रेंड्स, बेसिकली वी कॉल दोज प्रोसीजर्स एज डे केयर प्रोसीजर्स, जिसके इलाज के लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत तो पड़ती है, मगर साहब हमारा जो इलाज होता है वो 24 घंटे के अंदर ही हो जाता है। दैट मीन्स वी गेट द ट्रीटमेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ एडमिशन इन द हॉस्पिटल एंड वी आर डिस्चार्ज विद इन 24 आवर्स। अब फ्रेंड्स, आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि क्या डे केयर प्रोसीजर्स कवर होते हैं मेडिक्लेम पॉलिसी में या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। जी हाँ साहब, कवर होता है, इसका कवरेज मिलता है। पहले नहीं मिलता था, मगर बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ मेडिकल फैसिलिटीज में, मेडिकल साइंस इतना एडवांस कर गई, इसका कॉस्ट फैक्टर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो हमारे देश की प्रमुख गवर्निंग बॉडी है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को गवर्न करती है, दैट इज IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने इसमें पहल की और उसने सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कहा कि साहब आपको डे केयर प्रोसीजर्स को भी कवरेज देना है पॉलिसी में। तो फिर सभी कंपनियों ने इस पे भी कवरेज देना शुरू कर दिया। हम बात करेंगे कुछ ऐसे प्रोसीजर्स की जिन पे ये क्लॉज अप्लाई करता है डे केयर प्रोसीजर का, और जिनका इलाज विद इन 24 आवर्स हो जाता है, मगर ये बहुत ही खर्चीले इलाज है। अगर हम बात करें कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी प्रकार का कैंसर हो, उसके लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। कीमो ट्रीटमेंट इज गिवन एंड कीमोथेरेपी इज डन विद इन 24 आवर्स। इट इज डन विद इन 24 आवर्स। आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, कीमो कराते हैं और 24 घंटे के अंदर आप वापस अपने घर चले जाते हैं। एक तो ये कैंसर रिलेटेड कीमोथेरेपी हो गया। उसके बाद किडनी रिलेटेड ट्रीटमेंट जो होता है डायलिसिस का, वो डायलिसिस की प्रक्रिया भी 24 घंटे के अंदर हो जाती है। काफ़ी महंगी खर्चीली प्रक्रिया होती है, इसका भी कवरेज आपको डे केयर प्रोसीजर के अंतर्गत मिलता है। फिर कैटरैक्ट का, मोतियाबिंद का जो इलाज होता है, या आंखों से संबंधित ऐसा कोई इलाज जिसका रेटिना रिलेटेड, मैं बहुत ज़्यादा डीप में टेक्निकल्स में नहीं जाऊँगा, बेसिक्स में रहते हैं, बात करते हैं अभी आंखों के इलाज के लिए, या आंख में अगर मोतियाबिंद आ गया या आंखों की रोशनी कम हो गई, तो कुछ सर्टेन ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनके लिए आपको 24 घंटे के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है और साहब आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं, आपका इलाज पूरा हो जाता है। उसके बाद साहब बात करते हैं, कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे कि बायोप्सी, कैंसर के इन्वेस्टिगेशन के लिए बायोप्सी की जरूरत होती है। एंडोस्कोपी एक ट्रीटमेंट होता है, वो भी डे केयर प्रोसीजर में आता है। बायोप्सी हो गया, एंडोस्कोपी हो गया, तो इन ट्रीटमेंट्स के लिए भी आपको 24 आवर्स के अंतर्गत ही सारा कुछ आपका हो जाता है। अब बात करते हैं क्यों इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको कवर करना शुरू किया। हमने आपको पहले बताया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहल की ये देखते साथ कि ये सारे प्रोसीजर्स बहुत महंगे हो गए हैं, और तब से फिर इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको अपने प्रोडक्ट में, अपने पॉलिसी में कवरेज देना शुरू कर दिया। नाउडेज जो डे केयर प्रोसीजर्स हैं, ये अकाउंट फॉर जो इनका जो एक परसेंटेज है, वो एक मेजर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंस इट गोज इन द डे केयर प्रोसीजर्स। अगर आप देखें, अगर किसी भी ट्रीटमेंट में आप जाते हैं, तो डे केयर ट्रीटमेंट के, डे केयर प्रोसीजर का जो ट्रीटमेंट होता है, वो एक इट फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ योर ओवरऑल ट्रीटमेंट ऑफ योर ओवरऑल हेल्थ एक्सपेंडिचर। तो इसलिए साहब इसको मेडिकल इंश्योरेंस मेडिक्लेम कंपनीज ने इस पर भी, इसको भी इंश्योर करना शुरू कर दिया है। और आप जब पॉलिसी लें, तो आप इस बात का ख्याल जरूर करें कि आपकी पॉलिसी के अंतर्गत डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड और नॉट। अगर कवरेज है, तो क्या क्या डे केयर प्रोसीजर्स इसमें कवर हो रहे हैं, इस चीज का क्लैरिफिकेशन ले लें अपनी कंपनी से, हर चीज के हर पहलुओं को समझ लें, ताकि कभी अगर आपको डे केयर प्रोसीजर के रिलेटेड ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े, तो आपकी कंपनी आपके पीछे खड़ी रहे, आपको बैकअप देने के लिए, और आपको अपनी जेब से पैसे ना खर्च करने पड़े।
तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा बेसिक वीडियो ऑन डे केयर प्रोसीजर्स। उम्मीद करता हूँ पसंद आया है आप सभी को। अगर पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड गिव अ थम्स अप टू माय चैनल एंड टेक गुड गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन बाय बाय।